गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि पता है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के बीच मुखाते होते हैं और बात करते हैं डीएक्सएन के मार्केटिंग प्लान के बारे में, बात करते हैं हम डीएक्सएन कंपनी के बारे में, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में, काफी सारा मोटिवेशन, ये बहुत सारी चीजें जो हम डेली आपको अपडेट्स देते हैं मंडे टू फ्राइडे। और कुछ अपडेट्स में पर डे आपको मॉर्निंग में जब हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं तब हम आपको देते हैं। और सबसे बड़ा अपडेट है कि आईओसी एक नए रूप में, एक नए रंग में आप लोगों के बीच में आए, कुछ अमूलचूल थोड़े से परिवर्तन हल्का फुल्का किया है आईओसी में, तो उनको समझना जरूरी है कि आईओसी में क्या क्या चेंजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चेंज है आईओसी में, जब हम पहले आईओसी लेते थे तो 20,000 रुपए का जो आईओसी होता था तो उसका एक एसओ होता था, वो फिक्स होता था 10,000, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि अब जो आप आईओसी परचेस करेंगे, 20,000 रुपए का आईओसी या 10,000 रुपए का आईओसी या 5,000 रुपए का, तीन तरह का आईओसी आता है, तो अगर इनको आप परचेस करते हैं तो जिस जो इसका एक्चुअल एसपी बनता है सिंप में, वो आपको मिलेगा। पहला जो परिवर्तन किया है। दूसरा है, जिसको भी आईओसी का बोनस लेना है, यानी कि जो भी अप्लाई अपनी डाउनलाइन में आईओसी दिलाती है और उसका जो बोनस प्राप्त होता है, तो बोनस प्राप्त होने के लिए आपको सिंप में एक्टिवेट होना जरूरी है, यानी कि आपको मिनिमम 1,000 पीवी सिंप में करना जरूरी है अगर आपको आईओसी का बोनस लेना है। अभी आईओसी के लिए एक बेहतरीन शानदार ऑफर चल रहा है, कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए का अगर आईओसी खरीदता है, सिर्फ 20,000 रुपए पर है ये एप्लीकेबल, अगर वो खरीदता है तो उसको मिलता है एक बेहतरीन डीएक्सएन का टी शर्ट, जो आपके नजदीकी ब्रांच पर आप जब भी आईओसी खरीदते हो तो हाथों हाथ आप ले सकते हैं, आपको एक टी शर्ट मिलने वाला है। लेकिन ये टी शर्ट मिलेगा सिर्फ 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की आईओसी लेने पर। काफी लोग सोच रहे होंगे ये आईओसी एक नया नाम है, ये क्या है, तो मैं बता दूं, डीएक्सएन में जैसे सिंप प्लान होता है, सिंप्लीफाइड प्लान जो हमारे एक प्लान चल रहा है,
उसी के तहत एक एडिशनल प्लान होता है जो कंपल्सरी नहीं है, एक उसके पैरेलल में एक प्लान चालू किया है, वो उसे कहते हैं IOC। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग डीएक्सएल में बिजनेस करना चाहते हैं वो इस प्लान को लेते हैं, क्योंकि इस प्लान को लेने के बाद वो प्रोडक्ट को एज ए सीड स्टॉक यूज करते हैं। जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने के बाद जब लास्ट में जब हमारे अनाज या जो भी चीज होती है तो हम उसको बीज के रूप में थोड़ा रखते हैं, इसी तरह आयुषी का जो पैकेज से हम सामान खरीदते हैं वो हमारे एक तरह से डीएक्सएन के बीज बोने के काम आता है, यानी कि आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम आता है, रिटेल करने का काम आता है, कंज्यूमर्स क्रिएशन में आयुषी का बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ एक दूसरा अपडेट मैं दे दूं कि जैसा कि आपको पता है, आपके पास मैसेज भी आ रहे होंगे, कॉल्स भी आ रहे होंगे काफी, कि 1 अगस्त से स्टार एजेंट एंड अबव जो भी व्यक्ति है वो अगर अपना स्टेटस क्वालिफाई करना चाहता है, यानी कि स्टार एजेंट अपना स्टेटस क्वालिफाई करना चाहता है स्टार एजेंट का, तो उसे मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी करना होगा। अभी तक जैसा कि आपने देखा कि अभी हम हमारा है कि 1,000 हम पर्सनल पीवी करते हैं, 2,000 हम नॉन स्टार लेग से करते हैं, यानी कि एक बैसाखी बैसाखी के सहारे हम खड़े होके होते हैं और स्टार एजेंट बनते हैं। अब कंपनी ने वो चीज हटा दी और आपको डायरेक्ट ही स्टार एजेंट एंड अबव कर लिए आपको 3,000 पर्सनल पीवी करना होगा। अब काफी लोग कह रहे कि 1,000 ठीक था, 3,000 कर दिया, ये तो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये बता दें एक गुड साइन है आपके बिजनेस के लिए। जिस तरह से प्रोडक्ट का रेंज अभी हो रहा है, हमारे पास काफी सारे 70-80 प्रोडक्ट्स हैं, अभी 1,000 PV का सिर्फ हम सिर्फ कंज्यूम कर पाते हैं। अगर आप ढंग से डीएक्सएल के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, अगर सब सारे प्रोडक्ट या 50% प्रोडक्ट भी अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपसे 3 से 5 हजार के प्रोडक्ट को आपको खुद को ही चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 1,000 PV कर रहे हैं। अब कंपनी ने बोला है कि आप 3,000 PV दीजिए, जब 3,000 PV करेंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप खुद के कंज्यूम करने के प्रोडक्ट आएंगे, आपकी फैमिली में प्रोडक्ट यूज होंगे, और जो प्रोडक्ट बचेंगे उससे आप अपना कंज्यूमर क्रिएट करेंगे। जब आप कंज्यूमर क्रिएट करेंगे, कंज्यूमर बनाएंगे, तो उसके बाद उन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और आपका टीम बढ़ेगा। यानी कि एक अगर मैं बात करूं, एक आपकी जो टीम की साइज को बढ़ाने के लिए ये कदम लिया गया, आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट कर सके, क्योंकि आपके पास माल होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, तो आप इसको सेल करेंगे तो कंज्यूमर बनाएंगे, और कंज्यूमर होंगे वही कंज्यूमर क्रिएट होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स में, यानी कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस प्लान को लेकर आए, और ये आपको 1 अगस्त से लागू होगा। हम अभी से इसलिए बता रहे हैं कि आपको हैबिट हो जाए, अभी आपका जून है, जुलाई है, 2 महीने इनमें आप करते रहिए, जैसे कि आपको एक हैबिट हो जाएगा 3,000 पर्सनल PV करने का, तो आप 3,000 PV करने के लिए अभी से तैयार हो जाए, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, और अभी आपके लिए मौका है इस चीज को समझने के लिए और अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। ये थे कुछ हमारी तरफ से अपडेट्स आप लोगों के लिए। थाईलैंड का प्रोमो ऑफर चल रहा है, ये महीना आखिरी है, जो लोग थाईलैंड प्रोमो बने हुए हैं वो लगातार अपनी पीवी रिपोर्ट चेक करते रहे, अपनी न्यू ज्वाइनिंग देखते रहे, अपने जो आपने रीएक्टिवेट करवाए हैं मेंबर उनको कितने हो गए, क्या हो गए, पूरा स्ट्रक्चर आप एक बार चेक कर ले कि आपके कुछ लोग रह तो नहीं गए, जो ऑफर चल रहा है ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए अपनी टीम, क्योंकि ऑफर का भी लास्ट महीना है। जैसे 1,500 PV पर जो 1,500 PV पर्सनल कर रहा है, जो जो बंदा नया ज्वाइन आप करा रहे हो, अगर उसको आप 1,500 PV कराते हो तो आपको एक कम्बुचा एक मसाला टी मिलेगा। अगर कोई आपकी टीम में ऐसा मेंबर है जो डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है या एक्सपायर्ड हो चुका है, उसको एक्टिवेट कराते हैं तो 1,500 PV के साथ तो आपको एक मसाला चाय और एक कम्बुचा मिलेगा। अगर आप तीन के कोई भी व्यक्ति जो नॉन स्टार एजेंट है, अगर वो 3,000 पर्सनल PV करता है तो उसको 2 कम्बुचा एक मसाला चाय मिलेगा, और अगर कोई व्यक्ति वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्टेटस का हो, नया हो पुराना हो, अगर वो 5,000 PV करता है तो उसको मिलता है 4 कम्बुचा और एक स्पायर होना 120। ये कुछ ऑफर्स है, ये लास्ट महीना है इसका, तो इनको ध्यान रखें। कम्बुचा का भी लास्ट महीना चल रहा है, 14 बोतल पे 2 बोतल फ्री है, तो कम्बुचा भी आप ज्यादा से ज्यादा पिए। मौसम है गर्मी का, तो आपको जो पेट से संबंधित समस्या अपच है और पेट से संबंधित जो भी आप गैस वगैरह ये सारी चीजें रहती है, गट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको दूर करता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है, तो कम्बुचा पे बेहतरीन शानदार ऑफर चल रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, और अपनी जो आपका जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम उसको हासिल करें। ये कुछ अपडेट्स थे मेरी तरफ से। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरह, और आज के जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है 3,000 पर्सनल PV पर, किस तरह से 3,000 पर्सनल PV करें, किस तरह से अपनी टीम को बड़ा बनाए, और इसके लिए इसको देने के लिए हमारे बीच है विजय कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत विजय कुमार जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर, विजय कुमार जी थैंक यू सर।
और और आई मैंने होप आज हमारे जितने व्यूअर्स आप उनको समझा पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है 3,000 पर्सनल पीवी करना। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सारी वेलकम सर। जानकारी आप शेयर किए सर काफ़ी लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। और आज का प्रोग्राम में जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सभी को मैं विजय शर्मा सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले दातो डॉक्टर रमेश शिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इतना शानदार उन्होंने सिस्टम बनाया जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग का जीवन में बदलाव आ रहा है। और साथ में प्रोफेसर सर रत्ना मैम जिन्होंने इंडिया में रेडिएशन को लेकर आए उनको भी मैं कोट कोट नमन करता हूँ। और सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस यस हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ ओके सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस यस हाँ ओके। तो साथ में हमारे महागुरु श्री रामाशीष सर जी और श्री मनोज गुप्ता जी को जिन्होंने इतना शानदार तरीके से आज हम लोग को सिखा रहे हैं और सिखा सिखा के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है 3000 PV कैसे कंप्लीट करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है जिसको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए जुड़े हुए हैं, और पर्सनली हम फ़ोन करके भी जुड़वाए हैं कि आप लोग जुड़िए, उसमें बहुत सारा चीज़ें आपको जानकारी मिलने वाली है। तो मैं बात करना चाहूँगा आज फिनेंशियल कंडीशन को लेके, कि बेसिकली जो फिनांस है, जो फाइनेंस सेक्टर है, तो ये इस सेक्टर में बहुत सारे लोग को बहुत सारा चीज़ जानकारी नहीं है, क्योंकि दो तरह के लोग यहाँ पे हैं। एक तो वो लोग हैं जो 95% और दूसरा है 5%। 5% पैसा में 95% लोग मारामारी कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है और 5% लोग का कब्जा है। तो ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोग को पता नहीं है, ठीक है, हम लोग को भी पता नहीं था, क्योंकि अभी डिएक्शन में काफ़ी दिन हो गया, और यहाँ पे आने के बाद से तमाम ट्रेनिंग, तमाम बुक, तमाम किताबें पढ़ने के बाद से पालजन फिल्जर और बड़ा सोच का बड़ा जादू और कैश क्वाड्रेंट, इस सब किताब पढ़ने के बाद से पता चला कि ये दो तरह के लोग हैं, ठीक है, जो 5% पैसे में 95% लोग का लगे हुए हैं, लेकिन 95% पैसा 5% लोगों के पास है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ये सवाल है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। शिक्षा पद्धति जो हमारा है वो गड़बड़ है। अब गड़बड़ का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई ही गड़बड़ है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो मोटो है वो मोटो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आज से बहुत साल पहले, काफ़ी साल अगर हम पहले चले जाएं, जिस समय यहाँ पे अंग्रेज आए हुए थे और अंग्रेज इंडिया पे राज करने के लिए आए, तो उस समय पता चला कि यहाँ पे नौकर नहीं मिलते थे, कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता था, और इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों को सर्विस चाहिए था, और उन्होंने एक ऐसा पैटर्न निकाला पढ़ाई का, जो ऐसा शिक्षा का ऐसा पैटर्न निकला कि आज 95% लोग बस एक ही दिमाग में होता है, पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, और ये नौकरी का भूत ऐसा चढ़ा, मानसिकता केवल नौकरी, मतलब इतना इसका इतना बुखार चढ़ा, इसका साइड इफेक्ट कितना खतरनाक है। एक बहुत पुराना एक पेपर न्यूज हमको मिला, इस पेपर न्यूज में लिखा हुआ है, 26/7/2021 का है, और भी तमाम पेपर न्यूज आते रहता है, तो इसमें बताया गया है कि मुर्दा घर में डोम के 6 पदों के लिए ग्रेजुएट व इंजीनियर आवेदन, हाँ 8,000 आवेदन आ चुके हैं भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, ये खला खला डेट। अब ये चीज
ये कितना बड़ा साइड इफेक्ट है कि ग्रेजुएट किया, इंजीनियरिंग किया, और वो बंदा किसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, ये इसका साइड इफेक्ट है, पढ़ाई का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, और हमको डिग्री लेना भी जरूरी है, लेकिन इस हद तक हमको उतरना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए हैं तो बहुत सारा काम हमारे पास है, बहुत सारा रोजगार हमारे पास है। आगे मैं बात करूंगा कि ये जो है इस तरह का स्थिति न आए, जीवन में इस तरह की स्थिति नहीं आना चाहिए। तो और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये नौकरी मिल जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी अमीरी आ जाएगी। जी, अगर लोअर क्लास या थर्ड ग्रेड की, फोर्थ ग्रेड की नौकरियां मिल जाती हैं तो उससे हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जो है परिवर्तन आ जाएगा, बहुत सारे लोग अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि जब नौकरी से हम अमीर बन नहीं सकते, तो बस एक ही सवाल है यहाँ पे अपने साथ, क्या करें? तो गरीबी में ही पैदा होकर और गरीबी में ही मर जाए, यही होता है, और मैक्सिमम लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही चीज कहेंगे, जी नहीं, हमारे पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, और ये अवसर कौन सा है? तो उस अवसर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी, अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोगों को भ्रम है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोगों को भ्रम है, ये जुड़ने वाला काम है, ये जुड़ने वाला काम है, यहाँ पे कंपनियां भाग जाती हैं, यहाँ पे कब तक हम जुड़ते रहेंगे, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, या और तमाम तरह के यहाँ पे मैटर फंसता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं या जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं है, उनको बस एक ही चीज हम बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है, एन से होता है न्यू, ई का मतलब होता है एजुकेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि नया एजुकेशन प्रणाली के द्वारा किया गया काम को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा ये पद्धति है, एक ऐसा फार्मूला है कि इस फार्मूले से, इसके द्वारा काम करके और आदमी अमीरी के तरफ जा सकता है। और उदाहरण में बहुत सारे तमाम लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके, और तमाम लोग जो हैं अपने गरीबी को दूर किया है और धीरे 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 अमीरी के तरफ बढ़े हुए हैं और अमीर भी बन के दिखाए हैं। हमने तो एक एक नेटवर्कर को देखे हैं, हमने एक एक नेटवर्क को देखे हैं कि इंडिया में ही उनका पर्सनल अपना जेट है। अभी हम लोग गए थे, ये दिल्ली गए थे हम, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का अवार्ड मिला था, बहुत सारी कंपनियां उसमें, लगभग 40 से 50 कंपनियां उसमें हिस्सा ली थी। उसमें एक ऐसे ऐसे कंपनी के नेटवर्कर आए थे जिनका अपना पर्सनल जेट भी है। जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जहाँ पे लोगों को अमीरी की तरफ लेके जाती है। और एक और बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि बिना नेटवर्क का कोई भी अमीर नहीं बना है। जी, बिना नेटवर्क बनाए कोई भी अमीर नहीं बना हुआ है, चाहे वो हम जियो की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम अडानी की बात कर लें, चाहे हम टाटा, रतन टाटा की बात कर लें, किसी का भी हम बात करें, ये लोग क्या बनाए हैं? ये लोग नेटवर्क बनाए हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग कौन सा नेटवर्क बनाए? ये लोग नेटवर्क बनाए कि पूंजीपति वाले, इनके पास पूंजी है, इनके पास बहुत अनलिमिटेड इनके पास पैसा है। अब अनलिमिटेड जो पैसा है तो उस पैसे से इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करके एक एक लोगों का इन्होंने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने तमाम सिस्टम के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ दिया, और आज ये अमीरी की तरफ, और अमीर पे और अमीर और अमीर और अमीर बनते चला जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सवाल ये होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, कैसे है, कि किस तरह से है, कि कितना पैसा आ जाता है, किस तरह से पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज हम कहना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है सिस्टम से। जी, यहाँ पे पैसा आता है सिस्टम से, पैसा आता है, और सिस्टम के लिए हमको सीखना बहुत जरूरी है। जी, पढ़ाई लिखाई अलग बात है,
हम पढ़ लिए हैं, हम आईआईटी कर लिए, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमने एमबीए कर लिया, हमने बहुत सारा चीज, हमने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया, डिग्री कर लिया जी, लेकिन वो डिग्री अलग जगह पे है। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आके यहाँ के सिस्टम के लिए हमको सीखना पड़ेगा जी। और ये सिस्टम सीखने के लिए, ये सिस्टम में अगर हम आ गए और सीख, अगर हम यहाँ इस सिस्टम में सीखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमको कामयाबी मिलने वाली नहीं जी। और इस सिस्टम में सीखने के लिए हमको एक गुरु चाहिए जी। सिखाएगा कौन? तो हमको एक गुरु बनाना पड़ेगा जी। जब तक इस सिस्टम में कोई गुरु नहीं होगा, किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। और कौन सा गुरु? वो गुरु जो गुरु सफल हो, सक्सेस हो, जो सफलता को प्राप्त किया है जी। जैसे हमारे पास हैं, हमारे पास गुरु हैं, हमारे गुरु श्री मनोज कुमार गुप्ता जी। आप लोग जहाँ भी हैं, एक जोरदार ताली इनके लिए बजाइए ठीक है। क्योंकि जब इनसे हम मिले थे, जब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात हुई थी तो इनसे ये हमसे पूछे थे, ये हमसे पूछे थे कि क्या करना है। तो हम एकदम मतलब बहुत मेरा हमारा कंडीशन वीक था उस समय, हम पैसा पैसा के लिए परेशान थे। तो हमने इनसे कहे थे कि सर अब हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है, हम अंडा की दुकान खोलेंगे जी। तो इन्होंने कहा कि क्या अंडा की दुकान से जिंदगी बदल जाएगी? तो हम कहे कि अब सर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो वो कहे कि आइए हमारे साथ आइए, हम आपको बताएंगे, रास्ता बताएंगे। और इन्होंने रास्ता बताया और आज धीरे 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 हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब बात आ गई नेटवर्क मार्केटिंग की थी, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो डीएक्शन की बात किया जाए तो डीएक्शन भी क्या है? डीएक्शन भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन किसी भी कंपनी में जाने से पहले हमको तीन चीज पे विशेष ध्यान देना होगा ठीक है। एक होता है प्रोफाइल ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है प्लान ठीक है। तो ये तीन चीज अगर सही है, तीन चीज सही है, तो आप कंपनी बेधड़क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डिएक्शन प्रोफाइल की बात किया जाए ठीक है, तो आप लोग एक जोरदार ताली बजाइए दातो डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए। क्योंकि डॉक्टर लिम सियोजिन इस कंपनी को 1993 में इन्होंने स्थापना किया, और 10 साल इस कंपनी स्टार्ट करने से पहले 10 साल इन्होंने कठिन तपस्या किया, तब जाके इन्होंने इसका नींव रखा ठीक है। और साथ में जो इंडिया में जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका नाम कोई और नहीं, प्रोफेसर सरत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, इनके लिए भी एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए। और ये कंपनी लगभग लगभग 30-31 साल पुरानी कंपनी हो गई जी, इतनी इतना जबरदस्त। और बात किया जाए प्रोफाइल की, और बात किया जाए बहुत सारा चीज है। आज कंपनी हमारे 205 देशों में है, इंडिया में लगभग 5 से 6 यूनिट हो गया है। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो कहाँ पे है? अपने सिद्दीपेट तेलंगाना में है जी, इतनी बड़ी फैक्ट्री। तो प्रोफाइल को लेके, औकात को लेके कंपनी में कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। दूसरा चीज बात करेंगे हम प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट लेके आती हैं ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, डिएक्शन का प्रोडक्ट है यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट क्यों है? तो डिएक्शन का प्रोडक्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारे पास है जबरदस्त गैनोडर्मा, यानी कि गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के लिए आप लोग एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि गैनोडर्मा जो है इसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है, और जड़ी बूटी के राजा होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट से कोई कंपेरिजन नहीं है। तो प्रोडक्ट को लेके हमारे कंपनी में कोई आपको शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। और तीसरी जो बात आती है वो आती है बिजनेस प्लान की। तो बिजनेस प्लान की बात किया जाए तो हमारी कंपनी 1000 PV से शुरुआत करती है। आप ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे कोई चार्जेज नहीं होता है ठीक है। एक एड्रेस प्रूफ, दो फोटो और पेन कार्ड के साथ आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद से जब तक 1000 PV नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे हमको एक्यूमुलेटेड का सिस्टम होता है, और जैसे ही यहाँ पे 45,000 PV एक्यूमुलेट होते होते हुए जाता है, हम यहाँ पे स्टार एजेंट बन जाते हैं। और उसके बाद से आगे जाने पे
अगर स्टार जेंट निकल जाते हैं तो स्टार रूबी होते हैं, और उसके बाद से 6 स्टार जेंट निकल जाते हैं तो कंपनी हमको 37% का बोनस देती है, साथ में 2% प्रॉफिट शेयरिंग, इसके अलावा डेवलपमेंट बोनस और तमाम तरह का बोनस कंपनी देती है, और हमको डायमंड डायमंड का एक पदवी भी मिल जाता है। और इसके अलावा भी अगर स्टार रूबी बनते हैं तो स्टार रूबी बनने पे हमको पहले कंपनी 12,500 देती थी, अब क्या कर दिया है कि कंपनी ने 15,000 रुपये कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही खूबसूरत बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, अरे प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया प्लान में भी तो देखिए ना, प्लान में भी तो कंपनी ने पैसा बढ़ा दिया, तो ये बढ़ा दिया। उसके बाद से दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप अपने फ्रंट लाइन से 5 लोगों को अगर आपने 15,000 दिलवा दिया तो आपको कंपनी 1,20,000 रुपया का एक बार वन टाइम ओवरसीज इंसेंटिव कंपनी देती है। यानी कि ये दो जो चीज है, ये दोनों चीज कंपनी ने क्या किया, ये दोनों चीज कंपनी ने फिक्स कर दिया। जिस दिन आप ज्वाइन किए उस दिन ही आपका ये एफडी हो गया, आप जब चाहें जिस दिन चाहें आप, जैसे आपका प्लान पूरा हो जाएगा उस प्लान के हिसाब से आपको ये खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। जी, आज के परिवेश में नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, महंगाई। तो दोस्तों महंगाई की बात किया जाए तो महंगाई के लिए अभी हम एक उदाहरण यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बहुत पुराने जमाने में लोग कुआं से पानी निकालते थे, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो लोगों ने क्या किया, हैंडपंप से पानी निकालना शुरू किया, और भी परिवर्तन हुआ, और क्या परिवर्तन हुआ कि अब आ गया टुल्लू पंप, टुल्लू पंप से पानी निकालते हैं। अभी क्या है कि हमको भी इनकम को लेके हमारे लिए महंगाई की मार तब तक टेंशन देते रहेगी, तब तक टेंशन देते रहेगी जब तक हम कुएं वाला इनकम करेंगे। जी, कुएं वाला परिवर्तन करना पड़ेगा, नलका वाला भी अब चलने वाला नहीं है, अब हमको क्या करना है, हमको मोटर पंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोटर पंप ये है कि बटन दबाइए और जितना मर्जी उतना पानी निकाल लीजिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आपका इनकम जो होता है वो इनकम होता है अनलिमिटेड। जी, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम, मतलब यहाँ पे इनकम की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें आप आज चेक भरिए और उस चेक को जहिया मर्जी तहिया जितना मर्जी उतना भर लीजिए, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो उस चेक को कहिए आप भजाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है, नहीं तो महंगाई 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 हम चिल्लाते रह जाएंगे, ठीक है। और एक कहावत, एक बहुत बढ़िया, ये गौतम बुद्ध ने कहा है कि सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। जी, बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। जी, हमको अपने निर्माण में पूरा वक्त लगाने की जरूरत है। जी, पूरा वक्त लगाने की जरूरत, इसलिए कि अगर अपने अपने लिए हम काम नहीं करेंगे तो हम क्या किसी की मदद कर पाएंगे। और आपको बता दें कि हमसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे लोग आस आस लगाए बैठे हुए हैं, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा मतलब कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हर समाज हर आदमी हमसे कुछ न कुछ उम्मीद लगा के बैठा है कि कुछ न कुछ हमारे लिए करेगा, ठीक है, वो भले वो कहता नहीं है लेकिन उम्मीद तो होता है। तो क्या आप उस उम्मीद में क्या हम खरे उतर रहे हैं कि तभी हो पाएंगे जब हम अपना वक्त बनाने में अपना पूरा वक्त लगाएंगे, तो हमको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये होगा कैसे, तो अब बात करते हैं हम डिएक्शन में 3,000 PV, ठीक है, कि 3,000 PV, क्योंकि सारा गेम यहीं से होने वाला है, सब कुछ बदलाव यहीं से होने वाला है। अगर हमारे पास महंगाई का असर खत्म होगा तो कहाँ से होगा, 3,000 PV से होगा। अगर हमारा गरीबी खत्म होगा तो कहाँ से होगा, तो 3,000 PV से होगा। अगर हमारा हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा तो कहाँ से होगा, तो 3,000 PV से होगा। और 3,000 PV करना लोगों के लिए कहते हैं कि बहुत कठिन काम है, तो आज हम इसको थोड़ा आसानी तरीका से बताएंगे।
ठीक है, क्योंकि कहा गया है, समय के लिए भी कहा गया है कि कोई इतना अमीर नहीं, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। जी, तो आने वाला वक्त बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा, उसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है 3000 PB वाला, उस पे हमको खरा उतरने की जरूरत है। जी, और हम कैसे उतरेंगे खरा, कैसे हमारे लिए आसान होगा, उसके लिए मैं बात करूंगा आज बाजार की। ठीक है, हर आदमी बाजार व्यवस्था में है, कोई भी ऐसा नहीं है आदमी जो बाजार व्यवस्था में नहीं है। जी, अब बाजार व्यवस्था क्या है कि हमारे घर की ये जो जरूरतें हैं, ये आम जरूरत, ठीक है, ये जितना भी चीज हम लिख रहे हैं, जैसे तेल की बात कर लें, हर घर में तेल का यूज है, लेकिन जो मार्केट का तेल, जो बाजार का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो तेल सही है? हमने तो एक दिन एक आर्टिकल आया था, एक पेपर पेपर का कटिंग कोई किसी ने भेजा, तो उसमें ये लिखा था कि आजकल जो मार्केट में खाने वाला तेल आ रहा है, उस तेल में इतना खतरनाक खतरनाक केमिकल मिलावट है, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मोबिल भी मिलाया जा रहा है। जी, सेहत के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़। और ये तेल सीधा सीधा दो जगह अटैक करता है, एक जगह अटैक करता है कि हमारे हार्ट पे, और दूसरा जो अटैक करता है हमारे ब्रेन पे। जी, तो इसको थोड़ा हमको समझना है, हमारे अपने घर को क्या करना है, हमारे घर में जो तेल यूज हो रहा है, उस तेल को हमको हर हाल में बदल देना है। चीनी, चीनी की बात किया जाए तो दोस्तों, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर से हैं, तो थोड़ा बहुत हेल्थ की बात होनी चाहिए, जानना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमको बचाव करना जरूरी है। और हम हमारे जीवन में गेनोडर्मा आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, गेनोडर्मा आ गया है फिर भी हमको बचाव करना है, क्योंकि अगर अगर हम हेलमेट अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हेलमेट हम पहने हैं, तो हेलमेट कहीं भी इजाजत नहीं देता कि आप ट्रक के सामने चले जाइए। जी, हेलमेट इसलिए है कि भाई कहीं अगर हम बाई द वे एक्सीडेंट हो गया तो हमारे सर में चोट ना लगे, जस्ट लाइक गेनोडर्मा। जी, लेकिन बाकी बचाव हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी कहा गया है कि सफेद चीजों से दूर रहिए, अगर हमको बदलना है तो घर में हमको सफेद चीज से बचिए, चाहे वो वाइट मैदा हो, चाहे वाइट चीनी हो, चाहे वाइट चावल हो, चाहे वाइट नमक। कई लोग का सवाल होगा कि सर ये सब मना कर रहे हैं तो खाएंगे का, ठीक है, तो कभी हम डिटेल में बता देंगे कि हम लोग कैसे खाते हैं। हर चीज में हमने बदलाव किया, हमने चीनी के जगह पे क्या किया, अभी हमारे पास जैगरी आ गया है, हम जैगरी यूज कर रहे हैं। जी, थोड़ा कम खाएंगे, उन्हें जरूरी है कि एक एक कटोरी लेके एक एक बाल्टी हम शरबत बना के पियेंगे, जी नहीं, हमको जितना यूज करना है उतना हम यूज करेंगे, लेकिन हम कम यूज करेंगे, लेकिन अच्छा यूज करेंगे। तो हमारे पास जैगरी आ गया है, हमारे पास साबुन ऑलरेडी है, मार्केट का साबुन आप लोग यूज करते हैं, उस मार्केट के साबुन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उस पे देखना जरूरी है। ठीक है, मार्केट का मैक्सिमम जो साबुन है, जो कम रेट का 10 20 30 में मिल जाता है, उस साबुन पे स्पष्ट लिखा हुआ है टॉयलेट सोप। जी, वो साबुन स्किन के लिए नहीं बना हुआ है, अगर वो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन से संबंधित तमाम डिजीज आने की जरूरत, हमको साबुन बदलने की जरूरत है। हमारे पास पेस्ट है, मार्केट का जो भी पेस्ट है, वो पेस्ट में हानिकारक केमिकल है, जैसे सेक्रिन हुआ, फ्लोराइड हुआ, ये क्या करता है, हमारे दांतों में कैविटी कैविटी पैदा करता है, हमारे दांतों हमारे मसूड़ों को जो है गला देता है, जिससे तमाम तरह की दांतों की समस्या आ रही है। ठीक है, मार्केट का शैम्पू हम यूज करते हैं, शैम्पू कितना खतरनाक चीज है, थोड़ा सा दो बूंद लीजिए और लेके हल्का बालों में लगाइए, वो तुरंत जो है फोम उसमें से, ऐसे आग की तरह फोम उसमें से आता है। जी, इतना खतरनाक उसमें केमिकल मिलाया गया। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको जो मार्केट का जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कितना खतरनाक खतरनाक केमिकल मिलाया गया, पाउडर है, डायनाक्लिन है, ठीक है, अचार तमाम में यूज करते हैं, अपने यहाँ एक कट चिल्ली आया हुआ है, बहुत सारे लोग को यूज पता ही नहीं है, ठीक है, ये सिरका है, इसको यूज करिए। अभी हमने धीरे धीरे इसका प्रचार करना शुरू किया, हमारे हमारे
हमारे पास इसका बिल्कुल सेल नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हमने खुद यूज किया, जबरदस्त, खाने के 10 मिनट पहले इसको खा के देखिए, जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर भूख नहीं लगी तो भूख जगा देता है। अभी हमारे बहुत बढ़िया इसका मार्केटिंग हो गया है। तो कंपनी इतना जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो ये हम यूज करेंगे। खाली चाय स्पलूना, जी नहीं, चाय स्पलूना मार्केटिंग के लिए, ये सारा चीज हमको यूज के लिए, हमको खुद यूज करना है। अगरबत्ती है अपने पास, सेवन वंडर अगरबत्ती, हम अगरबत्ती तो यूज करते हैं ना मार्केट का, है कि नहीं? चाय का बात ही नहीं करना है, चाय तो हर लोग यहाँ पे डिस्कशन के, जो भी जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, हर लोग जो है ये यूज करते हैं, हर लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हॉर्लिक्स हुआ, मार्केट का हॉर्लिक्स लोग यूज करते हैं, बिस्कुट यूज करते हैं, अपने पास जबरदस्त कोको जी प्रोडक्ट है, अपने पास जबरदस्त कुकीज है, मधुरम कुकीज है, ठीक है। मार्केट का जो है ब्रेड यूज करते हैं, वो बहुत सारा खतरनाक चीज है, ठीक है। ब्रेड आप जाके देखिए कैसे किस तरह से बनता है, थोड़ा हम कॉस्टली यूज करेंगे, लेकिन क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? हम डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जूस है अपने पास, तमाम जूस है, ठीक है। इस समय अपने पास अगर देखा जाए, गर्मी का मौसम चल रहा है, रोजल जबरदस्त जूस है, मुरंजी है, नोनी है, एलोबीटा है, ये सब क्या है? ये सब जूस है, इसको हमको यूज करना है, ठीक है। मार्केट का जूस, टोटली जूस जो आ रहा है, केमिकल वाला जूस आ रहा है, जो भी पेप्सी कोला ये जो जो ड्रिंक पी रहे हैं, जो क्या सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, पी रहे हैं, वो क्या है? इतना खतरनाक है हड्डियों के लिए, ठीक है। लेकिन अपना कम्बुचा जबरदस्त प्रोडक्ट है, कम्बुचा हल्का सा फ्रिज में रखिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद से पी के देखिए, जबरदस्त उसका रिजल्ट है, पेट के लिए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम मार्केट से क्रीम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना कि फेयर एंड लवली है, उस पर आप जाएंगे खरीदने के लिए तो फेयर एंड लवली उस पर दिखेगा अच्छा, फेयर एंड लवली, लेकिन उसमें चार पांच तरह का क्रीम उसमें मिल जाता है, यानी कि फेयर एंड लवली तो खुद ही गड़बड़ क्रीम है, लेकिन उसमें भी हमको घटिया से घटिया क्रीम उनको मिल जाता है। लेकिन अपने पास जबरदस्त लोशन है, अपने पास जबरदस्त टीटी क्रीम है, ठीक है। इसके अलावा कॉफी है, लोशन है, ठीक है। और भी हमारे पास क्या है? हाइजीन वाश, इंटीमेट हाइजीन वाश, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको इसके बारे में लोग को पता ही नहीं है। आज तमाम महिलाओं का इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम है, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है, हमको भी नहीं पता था कि इंटीमेट हाइजीन क्या है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे आदमी के माध्यम से हमको पता चला कि ये तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को जब हमने यूज करना शुरू किया, और आज मैंने यूज करना शुरू किया, आज हमारे यहाँ से जबरदस्त इसका सेल है। तो कंपनी तो प्रोडक्ट लेके आ रही है, लेकिन क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? और जब तक हम यूज नहीं करेंगे, जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या प्रचार प्रसार करेंगे? केवल चाय स्पलना, चाय स्पलना, चाय स्पलना, जी नहीं, इंटीमेट हाइजीन कहिया यूज करेंगे? हेयर ऑयल है अपने पास, नारियल तेल है अपने पास, ये सब कब कब यूज करना है, कहिया यूज करना है? और ये सारा प्रोडक्ट, ये जितना भी प्रोडक्ट है, ये सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से यूज करते हैं? मार्केट से यूज करते हैं। और मार्केट का प्रोडक्ट यूज करके और क्या कर रहे हैं हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। जी, हम पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम क्या खरीद रहे हैं? साथ में हम खरीद रहे हैं बीमारी। और जो पैसा हम सस्ता सस्ता करके खरीद के, और जो पैसा हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैसा हम एक न एक दिन अच्छा खासा पैसा हॉस्पिटल में ले जाके हम दे दे रहे हैं। दोस्तों, हमको यहाँ पे बुद्धिमान डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बुद्धिमान ग्राहक बनना है। बुर्बक वाला जमाना गया, अभी हमको बुद्धिमान ग्राहक बनना है। और ये जितना भी प्रोडक्ट आज यहाँ पे लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं, ये 500 लोग अगर से पूछा जाए तो ये जो मार्केट से आप यूज करते हैं, तो कितना रुपए का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कोई चैटिंग में बताएगा? आपके घर में कितना कितना का यूज होता है? 5,000, 6,000, 7,000, कितना का यूज हो सकता होता है? पूछ आ रहा चैटिंग में मैसेज? नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 4,000, 10,000, 5,000,
ये इतना प्रोडक्ट हम मार्केट से यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 का जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट हम डिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते? हेलो, पीवी नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा जी, कितना आसान है 3,000 पीवी करना। और जो पक्का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो पक्का डिएक्शनियन होगा, जो पक्का डिएक्शन को दिल से चाहता होगा और रियल में डिएक्शन का होगा और रियल रियल में अपनी जिंदगी बदलना चाहता होगा, क्या वो अपने घर में इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा? क्यों नहीं होगा 3,000 पीवी? कंपनी ने तो जो व्यवस्था बनाया है वो व्यवस्था 3,000 का नहीं बनाया है, ये 5,000 पीवी का व्यवस्था बनाया है और 8,000 पीवी का व्यवस्था बनाया है। हम यूज कब करेंगे? सारा प्रोडक्ट हम मार्केट से यूज करते हैं, सारा प्रोडक्ट मार्केट से हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बदले हमको पीवी मिलता है क्या? बोनस मिलता है क्या? जी नहीं। लेकिन दोस्तों रिएक्शन ने इतना शानदार, इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया बाजार व्यवस्था बना दिया कि इस बाजार व्यवस्था से हमारा 3,000 पीवी आसानी से हो जाए। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की। जी जिंदगी बदलना है ना, बदलना है कि नहीं बदलना है? जिंदगी बदलना है तो जिंदगी बदलना है तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में अकेले जिंदगी नहीं बदलती है। ठीक है, यहाँ पे हमको सपने वाले लोग लेके आने होंगे। और कैसे लोग चाहिए? अभी 3,000 पीबी के लिए अभी हम ये है ना, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट, 1 तारीख को 3,000 पीबी कर लीजिए, 1 तारीख को 3,000 पीबी। ये सारा प्रोडक्ट क्या है? ये सारे प्रोडक्ट से हम बिजनेस कर सकते हैं। 3,000 पीबी करने के लिए इतना सारा प्रोडक्ट आपके 1 तारीख को रहना चाहिए। अभी सर बता रहे थे ना सीड स्टॉक, ठीक है, आईओसी, अगर आईओसी लेना चाहते हैं आईओसी लेके कर लीजिए, नहीं तो 1 तारीख को 3,000 पीबी करिए, आपके पास इतना सीड स्टॉक रहेगा। ठीक है, और ये 3,000 पीबी करना क्या है कि 3,000 पीबी के साथ हमको कितना लोगों को? 20 लोगों को चाहिए। और 20 लोग कैसे होने चाहिए दोस्तों? 20 लोग होने चाहिए कि इसमें बताया गया है कि मुझे जिंदा लाश नहीं चाहिए। 20 लोग ऐसे चाहिए जो मुर्दे में जान डाल दे। हेलो, 20 लोग ऐसे चाहिए जो मुर्दे में जान डाल दे, उसको धूप ना लगे, चड्डी पहन के घर में ना बैठा रहे, बंडी पहन के घर में ना बैठा रहे, जाके 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करे। जी 20 लोग ऐसे चाहिए जो 3,000 पीबी 1 तारीख को करे। जी खोज सकते हैं? खोज लेंगे, अगर जिंदगी बदलना है तो खोजना पड़ेगा। जी खोजना पड़ेगा, बहाने वाले लोग नहीं चाहिए। कौन कौन होने चाहिए? 20 को ऐसे लोग होने चाहिए जो सपने देखने वाले हों, जिनके पास सपना होना चाहिए। अगर सपना नहीं है तो समझिए वो जिंदा लाश है। ठीक है, और जिनके पास सपना होगा उनके पास ये चीजें नहीं होंगी। बहुत सारे लोग बहाना करते हैं, सर शादी विवाह है, अभी क्या आ रहा है, धान का रुपया आ रहा है, बारिश हुआ नहीं। अभी कई लोगों को फोन करिए, सर धान के बिया डाल रहे हैं, 3,000 पीवी होगा? वे सड़ा वाला मार्केट का प्रोडक्ट ले आके घर वालों को खिया के बीमार डालेंगे और बाद में वे खेत बेच के दवाई कराएंगे, नहीं होगा। जी थोड़ा इनसे बचना पड़ेगा। शादी विवाह, धान के रोपनी, गीतनाथ, हाई पटदार, त्योहार, सर्दी, जून की गर्मी, अभी बरसात आएगा फिर ठंडी आएगा, सब कुछ क्या करना होगा? बचना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर अब भाई पर्दा रहित ना तो कोई छोड़ देगा। अरे भैया डिएक्शन में अगर आप हैं तो क्या है आपके भाई पर्दा को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? वो डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है? आपके यहाँ हित नाथ डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है? अगर वो डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो दिन रात आपके साथ में रहेगा। बताइए, हम उस भाई पर्दा हितनाथ की बात कर रहे हैं जिसके
जिसका डीएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपको देखने का जरूरत नहीं है, जिंदगी नहीं बदलेगा जी। तो जिसके पास ये बहाना है वैसे लोगों को नहीं, 20 ऐसे लोग जो आप आधी रात को कहिए कि हाँ तैयार हैं, तैयार है जाना है, हाँ जाना है, 20 ऐसे लोग को खोज लीजिए, आपका ड्रीम पूरा होगा। ठीक है, अगर 20 लोग मिल जाते हैं तो दोस्तों एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है, क्या कौन होने चाहिए 20 लोग, केवल रिएक्शन, ओनली रिएक्शन, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। 3000 PB 20 लोग करेंगे, 64,000 PB होगा, 10,000 रुपया आएगा। और एक बार और कन्वर्ट कर दीजिए कि 20 के नीचे 20 लोग अगर 3000 PB करने वाले हो गए तो आपका इनकम होगा 1,25,000, और आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे बिलेनियर जी। और जीवन में एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए जो आपको सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर करे। बनाए हैं कोई लक्ष्य, बनाए हैं कि राती खान आंख खुलता, आंख बंद नहीं होता है और सुबह आंख खुलता नहीं है जी, ऐसे कैसे चलेगा। एक लक्ष्य बनाइए और वो लक्ष्य आपको कभी भी सोने नहीं देगा, उस लक्ष्य का नाम है क्राउन इन्वेस्टर। तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? अगर तैयार हैं, अगर बड़ा लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो दोस्तों कहा गया है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती जी। बनाइए, अगर आप ड्रीम बनाए हैं, अगर आप लक्ष्य बनाए हैं, तो आपको लक्ष्य भटका नहीं सकता, आपको लक्ष्य कभी भी गिरा नहीं सकता। दोस्तों अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास लक्ष्य है, तो आपको छींक भी नहीं आ सकती जी। और तमाम आज इंडिया लेवल पे उदाहरण हैं, जिनके पास ड्रीम है, जिनके पास सपना है, उनको नींद नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ना गर्मी खून में होती है, ना गर्मी जून में होती है, गर्मी सिर्फ जोश व जुनून। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आज के इस प्रोग्राम के बारे में, और बहुत ही महत्व रखता है आपका इस बिजनेस में मैक्सिमम पीवी करना, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है। अगर आप मैक्सिमम पीवी करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप सामान खरीदते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है कंज्यूमर बनाने का। और जितने ज्यादा आपके पास कंज्यूमर होंगे, यानी कि मान लीजिए जितने ही उतने ही ज्यादा आपके पास बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाने का एक माध्यम है। जिस तरह शरीर में खून बनना तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके शरीर में ब्लड बनता रहता है, नई सेल्स डेवलप होती रहती है, तो आप उतने ही स्वस्थ रहते हैं, उतने ही दीर्घजीवी होते हैं। इसी तरह आपके नेटवर्क में अगर आपके नए नए लोग आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके आ रहे हैं, तो उतना ही बढ़िया आपका हेल्दी नेटवर्क नेटवर्क रहता है। तो यही चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, और इसी के तहत कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, 3000 पर्सनल PPV। ये एक ऐसा कदम है, इससे जितना भी हमारा स्टार एजेंट है, जितना भी स्टार एजेंट से ऊपर के लेवल है, वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनको आगे बढ़ने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप 3000 PPV करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट्स होगा तो आप मार्केट में जाएंगे कंज्यूमर्स बनाएंगे, कंज्यूमर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में नए नए आते रहेंगे तो आपका एक हेल्दी नेटवर्क क्रिएट होगा। साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया, आईओसी आईओसी का प्लान, इसको आप समझे कि ये क्या है। आईओसी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एक सीड स्टॉक आपके पास रख सकते हैं, और एक ऐसा ये इनकम का सोर्स है। जैसे ही आप किसी को एक आईओसी दिलाया आपने डायरेक्ट में,
तो आप सोचिए उसका जितना भी एसबी उससे आपको 15% मिला, उस टीम में उसी बंदे ने किसी अपने नीचे दिलाया उससे आपको 10%। यानी ये एक फास्ट अर्निंग करने का ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो आईओसी को अपनी अप्लायंस समझे। ऑनलाइन मीटिंग्स काफी सारी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, डीएक्सएम डीएमआई पर, वहां से आप सुने और इसको समझे और इसको करें। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्रम। थैंक यू ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।